हाय गाइस, मैं राजवीर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ लिंक्डइन ऐड से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने कंपनी पेज को जो बना चुके हैं उसे सेटअप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जहाँ पे हमने वीडियो को स्टक किया था वहीं से दोबारा से हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। सो यहाँ पे आप जब कंपनी पेज बना लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिल रहा था। देन यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, जिस स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे आ भी रहा है सेटअप योर पेज फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए यहाँ पे जो स्टेप्स है हमें फॉलो करना है, दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आपका वेबसाइट यूआरएल है तो वो एड ऑन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप डोंट हैव कर सकते हो ना। ओके, इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक डिस्क्रिप्शंस लिखना होगा, तो डिस्क्रिप्शंस के लिए आप यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली एजेंसी। ओके, सो मैं यहाँ पे डेमो के लिए समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस अपने कंपनी के अकॉर्डिंग लिखना है एंड कंपनी को थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखे ताकि लोग अगर आपके प्रोफाइल पे आए तो वो अच्छे से रीड कर सके एंड अपने आपकी कंपनी को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट यूआरएल डालना है, जैसे कि यहाँ पे आप अभी कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे www.google.com डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया ओनली डेमो के लिए। सो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो माई ऑर्गेनाइजेशन डजेंट हैव ए वेबसाइट, ये भी एड ऑन कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में फिल किया था वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर एड ऑन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है, किस ईयर से आप स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो। एंड स्पेशलिटीज़ जो भी है आपके कंपनीज की वो यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो अप टू 20, मतलब ये एक कीवर्ड्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसे हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पेज इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पेज इन्फो में ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें फिल कर दी थी। यहाँ पे आपको एक टैगलाइन देना है, तो मैं यहाँ पे टैगलाइन दे देता हूँ एजुकेशन वेपन्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक टैगलाइन दे दिया है एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन एंड वेपन, ठीक है मैंने दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंपनी का टैगलाइन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद इसे आपको सेव कर लेना है। जैसे सेव करोगे इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिला बटन, जो बटन आपके यहाँ पे शो होने वाला है उस बटन को आप देख सकते हो, जैसे कस्टम बटन भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप इसे ऐड करोगे एंड यहाँ पे आप बटन नेम सेलेक्ट करोगे, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, रजिस्टर, साइन अप। अगर मैं यहाँ पे साइन अप के लिए क्लिक करता हूँ तो आपको यूआरएल यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, मतलब अगर कॉन्टैक्ट अस के लिए भी करता हूँ तो भी आपको यूआरएल ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे विजिबल होगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, इसके बाद इसे मैं जैसे ही सेव करूंगा उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि होम फीचर है, तो फीचर्ड में आप अपने फीचर को ऐड कर सकते हो, जो भी आपके कंपनी के फीचर्ड है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो पोस्ट को। सो वापस हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है, बाकी के और भी स्टेप्स है, तो हम यहाँ पे अपलोड लोगो कर सकते हैं, लोकेशंस। सो मैं लोगो के लिए यहाँ पे अपलोड अभी डेमो ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो कंप्लीट है स्टेप्स है वो पूरे हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, मैंने अपलोड कर दिया है एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पे जो है हमारे स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखें तो कुछ ओवरव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओवरव्यू में सेम डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वर्क प्लेस ऐड ऑन करना है, वर्क प्लेस आपका कहाँ पे है इसे भी ऑन ऑफ रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप। इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो इसे मैंने ऑन किया है एंड यहाँ पे सेव अगर मैं करूँ तो ये सेव नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम देख लेते हैं इसे कितना टाइम लेगा, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है नेटवर्क पे कि आपका नेटवर्क किस अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा ले लेगा, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो यहाँ पे।
सो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है। इसके बाद देखते हैं और कौन से स्टेप्स हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे कम्युनिटी सॉरी कमिटमेंट्स ऐड ऑन करने हैं आपके, जैसे कंटिन्यू रिलेवेंट लिंक ऐड ऑन करना है, पब्लिक फेसिंग रिपोर्ट्स, एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स, ये चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, और क्या चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो रिट्रेट योर ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट, प्रमोट योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते स्पेस के लिए। लोकेशंस आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे आप गूगल माई बिजनेस में ऐड ऑन करते हो तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड प्लस करके लोकेशन ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कंट्री रीजन डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस है तो सही है, नहीं है तो आप इसे अनटिक भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सिंपली अगर है तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे अपार्टमेंट एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, एंड यहाँ पे जिप कोड या फिर पोस्टल कोड है वो, एंड हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर से यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पे आए तो आपको एक कंपनी, जब आप बनाते हो कंपनी पेज तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लीड जनरेशन फॉर्म। मतलब लीड जनरेशन फॉर्म का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अगर आपके साइट पे आए, ठीक है, तो वहाँ पे उसे एक फॉर्म भी मिल जाएगा कि इजिली अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है एंड आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो इसे आप चाहो तो टिक करके यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी जो यूआरएल होने वाला है वो आपको एंटर करना है, हेडलाइन बॉडी एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेल्स, ठीक है, जैसे ये बटन है। इसके बाद अगर आप इसे सेव कर दोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाएगा एंड आपका यहाँ पे लीड जनरेशन एक फॉर्म बन जाएगा। सो मैं नहीं करने वाला, अभी मैं इसे अनटिक करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कार्ड एडिट कर देता हूँ। इसके बाद अगर यहाँ पे देखो तो एक मैनेज लैंग्वेज का आ रहा है कि आप लैंग्वेज भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर चुके हो, कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया का रखा है, दिल्ली एजेंसी, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है एंड एक्शन ये। अगर ऐड लैंग्वेज करके अगर मैं किसी और लैंग्वेज में भी चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको देता है लिंक्डइन यूज़ करने के लिए, जिसका यूज़ करके आप और भी लैंग्वेज ऐड ऑन कर सकते हो अपने प्रोफाइल में। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जो लिंक्डइन आपको प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो कंपनी पेज है वो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो लोकेशन ऐड करना, ग्रो योर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के लिए इनवाइट कनेक्शंस, मतलब अगर आपके कोई कनेक्शंस है जो आपके मेन प्रोफाइल है तो वहाँ पे आप उसे इन्वाइट भेज सकते हो, इससे आप भी आपका स्टेप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉलो रिलेवेंट पेज को अगर करते हो तो यहाँ से भी आपका स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो योर फर्स्ट पोस्ट एंड कमिटमेंट एंड ऑटोमेटिकली शेयर ओपन रोल्स, ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कंपनी पेज का, और ये आपका जब प्रोफाइल कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अगर किसी के कंपनी का पेज अगर यहाँ पे मुझे दिखता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही देख लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी एक पेज की तरह, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, जैसे ये फीचर इमेज है आपकी, ठीक है, जो आप ऐड करोगे पोस्ट के अकॉर्डिंग, ये आपका अबाउट अस हो गया, ये आपके यहाँ पे जो बटन्स थे कस्टमाइजेशन बटन्स वो यहाँ पे ऐड ऑन है, तो इस तरीके से आपका भी विजिबल होगा। तो वापस से हम अपने पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पेज के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा आना है एंड यहाँ पे मैनेज, एंड यहाँ पे आप देखो कंपनी सोल, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने कंपनी पेज बनाया। अगर यहाँ पे हम अगर हम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड पेज बनाते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पेज भी देखने को हमें मिल सकता था, या शोकेस पेज भी, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें अपना नेम एंड फॉलोअर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करके अपने पोस्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मीडिया, पोल, राइट आर्टिकल्स। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि राइट आर्टिकल्स होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप फीड देख सकते हो, अपनी एक्टिविटी देख सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो अपने पेज के, कि कितने लोग हैं जो आपके पेज पे रीच कर रहे हैं। अगर इसका देखना चाहोगे तो आप साइड में आप देख भी सकते हो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सर्च अपेयरेंस में अभी तक 0 है। अगर जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूनिक विजिटर, न्यू फॉलोअर्स, पोस्ट इंप्रेशंस, कस्टम बटन क्लिक्स या न्यू लीड्स, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक है, कुछ भी आपको पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो एडिट पेज करके आप अपने पेज में एडिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत है या फिर चेंज करनी है तो वो चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग। सेटिंग के ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कंपनी पेज में सेटिंग्स क्या होते हैं एंड इसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप इजीली इससे समझ सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि आप अपना कंपनी पेज सेटअप कैसे कर सकते हो। सो
इस चैनल के साथ बने रहें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आए वो आपको डायरेक्टली मिल सके। सो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।